इसीलिए एक हम सब समझना चाहिए। अभिजीत दाव उनके भाषण में बोले, जितना मैं बंगाली समझ सक रही हूं उसमें बोल रही हूं। बॉबी जी, हाँ बॉबी दा ने बोला, अगर विकास चाहिए, अगर हम सबके लिए सबके साथ सबके विकास चाहिए, हम सब आगे बढ़ना चाहिए, तो करप्शन बिना अच्छा सरकार चाहिए, शारदा नारदा करने वाले नहीं चाहिए हमें। इसीलिए इधर जितने भी भाई बहन आए हैं, मैं आप सब से हाथ जोड़ करके याद दिला रही हूं, कमल के निशान पर वोट दो। और आपको एक अच्छा सा कैंडिडेट है श्यामा प्रसाद हालदार, उनको चुनो, क्योंकि अब तक जो तो एमपी है उनका कारोबार आप देख रही हूं। कुछ मैं पार्लियामेंट में बहुत ध्यान से हर डिबेट को वॉच करती हूं, हर एक प्रश्न जो सांसद पूछते हैं उसको भी मैं ध्यान में रखती हूं। मैं विषय एक आपके समझ के लिए बोल रही हूं, कम से कम 300 बार प्रश्न पूछते हैं आम तौर पर हर सांसद ने, 300 बार पांच साल में कम से कम एवरेज है वो। आपके एमपी तो एक भी नहीं पूछा। एक्चुअली मुझे मथुरापुर ऐसे बंगाल में से एक पार्लियामेंट क्षेत्र, वो भी रिजर्व क्षेत्र है, उसको उसके बारे में जानकारी मिलने में बहुत खुश हुआ, मगर पार्लियामेंट के द्वारा नहीं हुई, इस प्रचार में आ रही हूं इसलिए मालूम हुआ। इतना है उनके तरफ से, कुछ भी नहीं आपके बारे में, आपके बारे में कुछ भी नहीं बोले। आखिरकार मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, नया विषय नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में बात बोलते हैं। और एक जमाना था जब दीदी ममता दीदी पार्लियामेंट में एनआरसी के बारे में इतना बात की कि एनआरसी लागू करो, मेरे बंगाल में लोग आ रहे हैं, उनका गिनती नहीं है, आ रहे लोग हमारे जमीन ले रहे हैं, पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, आप इंप्लीमेंट करो करके पार्लियामेंट में पूरे सदन में उस कागज को टेर करके चिल्प बिट 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 करके फेंक ही दी गुस्से में। मगर आज यू टर्न हो गई दीदी, पूरे पलटवार हो गए एनआरसी के ऊपर। क्यों एनआरसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बोल रही है, जो हमारे अपने भारतीय है उनका दिक्कत नहीं, मगर घुसने वाले को तो हम पहचानना चाहिए, घुसने वाले को पहचानना आवश्यक है, एनआरसी जरूरी है। चाहे दीदी उलट पुलट बोले आज, मगर एक समय पर दीदी भी चाहती थी, आज क्यों वोट के लिए तुष्टीकरण के लिए आपके पोजीशन बदल गया। भाइयों बहनों, मैं इधर खड़े होकर के इतना अच्छा पावन भूमि पर खड़े होकर के आपसे बोल रही हूं, दीदी को समझाने के लिए एक ही रास्ता है हमें, टीएमसी को हराना है। 2019 टीएमसी फिनिश। आप बोलेंगे 2019 नहीं, दीदी को सुनना चाहिए 2019
2000